हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर रिफॉर्म इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लास्ट 8 ईयर्स की बात करें, तो जो गवर्नमेंट है अंडर मोदी हैज़ वर्क टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर। तो अभी हमें पता है बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं। तो इनके अंडर में जो गवर्नमेंट है उन्होंने काम किया है ऐसा कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स दोनों में। काफ़ी सारी स्कीम लेके आई गई हैं इसमें, जैसे मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, MGNREGA 2.0। इनका एम था कि जो पोटेंशियल वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, उसका दोहन करना, ठीक है, उसको देखना। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ भाई एक तरफ ये देखा गया कि इंडिया के अंदर क्या हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, ग्रोथ मोमेंट बना रहे, और दूसरी तरफ ये इंश्योर किया गया जो ग्रोथ है किसकी, ग्रोथ ऐसी होनी जो ह्यूमन सेंट्रिक हो। ये नहीं कि मतलब ह्यूमन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है भाई। देश कब डेवलप होगा, जब उसके देश के जो नागरिक हैं वो डेवलप होंगे, तभी तो वो देश डेवलप होगा। भाई आप नई नई टेक्नोलॉजी ले आओ, लेकिन लोगों को जब सिखाए नहीं जाएंगे उसको यूज़ करने के स्किल, तो कैसे आगे बढ़ेगा देश। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा टू एड्रेस करना कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी किसके लिए, लेबर रिफॉर्म के लिए, उसको एड्रेस किया गया और काफ़ी सारे सुधार किए गए। तो जो सब्जेक्ट है इंडिया लेबर मार्केट रिफॉर्म का, उसमें एक नया जोश आया, एक नया महत्व उसने हासिल किया। बहुत सारी स्टेट में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो थे वो लेके आए गए किस में, लेबर में और इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं उसमें। जो ऑब्जेक्टिव था इन रिफॉर्म का वो क्या था कि भाई जो लेबर मार्केट है उसको डीरेगुलेट करना, क्योंकि जो इंडिया का जो लेबर लॉ माने जाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या माने जाते हैं, कठोर माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर माने जाते हैं। जो किसको रोकते हैं, जो ग्रोथ है आउटपुट की उसको रोकते हैं, इन्वेस्टमेंट को, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन को, इन सबको जो है वो रोकते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि हमें जो लेबर मार्केट है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, डी रेगुलेट करना पड़ेगा। तो वर्कर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें कि जो रिफॉर्म थे उनका मतलब क्या था, इम्प्रूव करना, जो लोगों का जीवन यापन है उसको इम्प्रूव करना, और जो किसको बढ़ावा देना, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना, और सोशल प्रोटेक्शन जो है लोगों को प्रोवाइड करना, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में काम करें या इनफॉर्मल सेक्टर में। अब कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म भी हुए कुछ स्टेट्स में इन कुछ सालों में, जिसमें इंक्रीज़ हुआ थ्रेश होल्ड जो है वर्कर्स का 100 से 300। किस के अंडर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर 10 to 20 वर्कर्स हुए, 20 to 40 हुए, मतलब 10 to 20 वर्कर्स विद जहाँ पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है, 20 से 40 जहाँ विदाउट पावर का इस्तेमाल, किसमें, फैक्टर एक्ट जो था 1948, और 20 से 25 वर्कर किसमें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट 1970। और इंट्रोड्यूस किया गया फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का किसमें, जो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर हैं इनमें। और इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस थे और जो जो देरी होती थी काम, देरी को कम करने के लिए क्या लेके आए गए कि भाई जो देरी होती है, लोग लाइनों में लगे रहते हैं, उनके काम पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं लेबर, तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस लाया गया, सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ जो कॉम्प्लियंस का एंटरप्राइजेस के द्वारा वो लाया गया, ऑनलाइन फीलिंग आया, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स के लिए फॉर्म, ट्रांसपेरेंट इंस्पेक्शन सिस्टम, ये सब चीज़ें लाई गई कुछ स्टेट्स में। अब जो टॉपिक था लेबर रिफॉर्म का वो मेजर करता है स्पेशली लेजिस्लेटिव वंस एम, जो प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, भाई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लेबर मार्केट के अंदर, कुछ रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। जो माना गया, जो रिसर्चर ने सपोर्ट करा है कि जो रिफॉर्म है वो ये कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लेबर रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो बोझिल बना देते हैं, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कंपटीटिव एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए क्रिएट करना है। जो इकोनॉमिक सर्वे था 2018-19 का, उन्होंने स्टडी करा जो इम्पैक्ट था लेबर रिफॉर्म का, किसके अंडरटेकन, राजस्थान ने शो करा पोस्ट रिफॉर्म, भाई रिफॉर्म के बाद का जो उनका पीरियड था, हायर ग्रोथ देखी गई फैक्ट्रीज़ में, जो 100 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर जो है इंक्रीज़ हुए पर फैक्ट्री, और टोटल आउटपुट में भी इंक्रीज़ हुआ, आउटपुट पर फैक्ट्री भी इंक्रीज़ हुआ, टोटल वेजेस भी इंक्रीज़ हुए, वेजेस पर फैक्ट्री भी इंक्रीज़ हुई, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था वो भी इंक्रीज़ हुआ एज़ कम्पेयर टू प्री रिफॉर्म ईयर्स, ठीक है, प्री रिफॉर्म के से पहले, मतलब पोस्ट रिफॉर्म देखा गया जो पहले कम था, और आफ्टर रिफॉर्म जो ये सब चीज़ों में इंक्रीज़ हुआ। जो स्टडी है वीवी ग्री नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट द्वारा, उन्होंने देखा कि जो इफेक्ट है लेबर रिफॉर्म का कुछ स्टेट्स में वो किस पे देखा गया, इकोनॉमिक और लेबर मार्केट पैरामीटर्स पर देखा गया, जिसमें इसका अध्ययन किया गया।
और शिफ्ट देखा गया एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से कि लोग कहाँ पे जा रहे हैं ज़्यादा सर्विस सेक्टर में जिसमें कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड थी। और एक हम यहाँ पे देखें कि लोगों के वेजेस में इंप्रूव हुआ, वर्कर्स के इनकम में इंप्रूव हुआ, फॉर्मलाइजेशन हुआ, जो प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस थी उसकी ओर लोग बढ़े। और जो शिफ्ट था रेगुलर सैलरी वर्क का नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ऑब्जर्व किया गया और इंक्रीज़ हुआ कितना 3.31 मिलियन से, ठीक है। इसमें नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो क्या था रेगुलर सैलरी वर्क था वो उसमें देखा गया कि उसमें इंक्रीज़ हुआ है 13.15 मिलियन से, जो 2011-12 में था 18-19 में 19.22 मिलियन हो गया 2004-05 और 2011-12 में, ठीक है। ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें जो एम्प्लॉयमेंट थी उसमें इंक्रीज़ हुई एट अ फास्टर पेस कितना 1.7 मिलियन इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ठीक है। देखा गया कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में कितनी इंक्रीज़ हुई है 1.7 मिलियन एज़ कम्पेयर टू जो प्री रिफॉर्म पीरियड था उसमें, ठीक है। एवरेज प्लांट साइज़ जो था ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चर सेक्टर का डेटा ही है इसमें, ये आप लोग रीड कर लेना इसमें, डेटा अच्छे से लर्न कर लेना, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे वरना लिखना मत। सम स्टेट्स लाइक जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर था वो इंक्रीज़ हुआ 300 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ देखे गए 2010-11 और 2017-18 तक, और जो नेशनल एवरेज था 5.2%। राजस्थान में जो देखा गया 10.3% से इंक्रीज़ हुआ 40.9% जो 2010-11 में था 215.2% इन 2017-18। और यही तमिलनाडु ने उसमें कितने पॉइंट इंक्रीज़ हुए 8% और आंध्र प्रदेश में 7.1%। तो 2017-18 में डेटा ही है, आप देख लेना। मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है इंक्रीज़ हुए। फर्म जो है अचीव करी है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एंटरप्राइज जो है और प्रोडक्ट जो है कम्पिटेटिव बन रहा है। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स में जो है नई फर्म्स जो हैं आई आफ्टर रिफॉर्म्स। अब उन्होंने ये भी बोला, यहाँ पे ये भी कहा गया जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आई, जिससे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कि भाई फिक्स्ड आपको इतना एम्प्लॉय जो है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इतना जो है आपको निश्चित अवधि में जो है काम मिलेगा, तो इससे न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, फॉर्मलाइजेशन हुआ वर्कफोर्स का। और जिस तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उन्होंने फील करा कि जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो इम्प्रूव कर रही है कि भाई अगर सामने वाले को पता कि मेरी नौकरी जो है फिक्स्ड है, ठीक है, वो कई मेरे मतलब मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे नहीं हूँ, मेरी नौकरी जो है वो पक्की है परमानेंट है, तो वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको काम करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होगी, कंपिटेटिवनेस इंक्रीज़ होगी, आपकी जो लेबर है वो अच्छा काम कर रही है तो आपकी मार्केट में जो प्रतियोगिता है वो इंक्रीज़ होगी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है, सस्टेनेबिलिटी एंटरप्राइज के आपके जो लेबर हैं वो बहुत पुराने हो गए, काम कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो मार्केट के अंदर वो बनी रहेगी, स्किल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, तो ये सब जो है इसमें देखा गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकॉनमी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।